हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। यह आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है। आपसे कुछ मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। तो देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स, आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से। ओके, कैप्रिकॉन्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, अंडरनीथ आपके पास है टेम्परेंस। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेशेंस रहने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम। तो देखते हैं बाकी मैसेजेस आपके लिए क्या कहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अंडरनीथ में आपके पार्टनर के पास जो है वो किंग ऑफ सोर्ड्स है और टेम्परेंस है। यहाँ पे हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, या फिर आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हैं जो कि फायर साइन है, किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हैं आप। हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन उस पर्सन के साथ हो, या फिर वो पर्सन आपसे थोड़ा क्लियर कट बात कर रहा है, और वो या तो वो बात करना चाहते हैं, रेडी टू टॉक हैं, और चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं। या फिर आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड, आपका पार्टनर जो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है और वो जस्ट पेशेंस से काम ले रहे हैं। या फिर आपकी तरफ से उनको कुछ ऐसे अल्फाज बोले गए हैं जिनको वो सब्र से बर्दाश्त करें, या फिर आपके पार्टनर जो सब्र से किसी आपकी तरफ से किसी कॉल का वेट कर रहे हैं, किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। बैलेंस, पेशेंस बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं आपके पार्टनर इस टाइम पे। कुछ लाइक वो किसी सक्सेस के हवाले से चाहते हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं। अगर उनका आपके साथ रिलेशनशिप ऑफिशियल नहीं है तो उसको ऑफिशियल बनाना चाहते हैं। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, एक नेक्स्ट लेवल पे आपकी लाइफ जा रही है। कोई नया नई चीज़ इमोशनली आपकी लाइफ में जो है वो आपके पर्सन की लाइफ में नई स्टार्ट हुई है, या फिर नया रिलेशनशिप उन्होंने स्टार्ट किया है। रिकन्सिलिएशन चाहते हैं अगर आपके पर्सन आपके साथ दोबारा से चांस लेना चाह रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, इमोशनली चीज़ें बैलेंस हो। दो टू ऑफ कप है और दो टू ऑफ कप जो है वो गिव एंड टेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैलेंस आना चाहिए। और आपके पार्टनर के माइंड में जो है वो रिकन्सिलिएशन है, वो नो मैटर वॉट, किसी भी सूरत में, चाहे वो जितने ही थके हारे हों, कि जितने ही वो इस रिलेशनशिप में हर्ट हो चुके हों, वो अपनी हर तरह से एनर्जी को गेन करके दोबारा से इस रिलेशनशिप को लेकर चलना चाह रहे हैं। और इस वक्त वो अपने ट्रेट में है, बोल्ड ट्रेट में, वो मेच्योर एक्शंस ले रहे हैं इस रिलेशनशिप के हवाले से। नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है उनको ये रिलेशनशिप। वो एक बोल्ड एक्शन लेना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, और एक नया स्टार्ट लेना चाह रहे हैं अपनी इमोशनल लाइफ में आपके साथ। बट वो कंफ्यूज्ड हैं, जगल कर रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर जो चैलेंज है वो है द वर्ल्ड। हो सकता है वो ट्रैवल के हवाले से सोच रहे हो, रेजिडेंस चेंज के हवाले से सोच रहे हो, या फिर वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, या फिर एक साइकिल एंड करना चाह रहे हैं। वो साइकिल एंड नहीं हो रही, एक फेज़ को वो अपनी लाइफ में एंड करना चाहते हैं, एक फेज़ ख़त्म करना चाहते हैं, एक नया फेज़ शुरू करना चाहते हैं। वो नया फेज़ जो है वो शुरू नहीं हो रहा, ये चैलेंज है आपके पार्टनर के लिए कि वो नया फेज़ शुरू नहीं हो रहा। और हो सकता है कि वो किसी किसी पर्सन के साथ रिकनसाइल करना चाह रहे हो और वो फेज़ शुरू नहीं हो पा रहा उनके साथ। तो एक चीज़ एंड होकर नई चीज़ शुरू नहीं हो रही, लेकिन उनके माइंड में यही है कि वो हर तरीके से इस सिचुएशन को चलाने की कोशिश करेंगे, इस रिलेशनशिप को।
बट वो इन द एंड जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि जो चैलेंज उनकी लाइफ में ये है, जिस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते हैं, वो उसमें अभी टाइम है, तो ये उनके लिए एक चैलेंज बना हुआ है कि वो इस चीज़ को कैसे लेकर चलें। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। इफ इट्स सैटर्न इन यू, प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।